नमस्कार, मैं दिव्या भादर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रेलवे के बिहार में चल रहे 52 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से 17 प्रोजेक्टों में ब्रेक लग गया है। आरटीआई से मांगी गई जानकारी पर रेलवे बोर्ड की ओर से दिए गए जवाब के अनुसार राज्य में रेलवे की 32 में से 15 नई रेलवे लाइन बिछाने, एक लाइन दोहरीकरण और एक गेज परिवर्तन के प्रोजेक्ट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इन पर सैकड़ों करोड़ की राशि खर्च होने के बाद भी रेलवे ने कई जगहों पर राशि के अभाव, जमीन की समस्या, उपयोगिता का आधार सहित अन्य कारणों के आधार पर इन प्रोजेक्टों पर रोक लगाया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने शोषण करने का आरोप लगाया है। कुछ पहलवानों की शिकायतों पर सोशल मीडिया पर सवाल भी उठ रहे। पहले पहलवान जनवरी महीने में दिल्ली आए थे। आरोपों की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच के लिए कमेटी बनाई गई। कई महिला पहलवान कथित रूप से अपने शिकायतें लेकर कमेटी के पास पहुंची। बृजभूषण पर अलग अलग आरोपों के टाइमलाइन पर सोशल मीडिया सवाल उठा रहे हैं। आज से जीएसटी कलेक्शन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज से 100 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों को 7 दिन के अंदर अपने ट्रांजेक्शन के इन्वॉइस जनरेट करके देनी होगी। इस इन्वॉइस को उन्हें आरआरपी यानी इन्वॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उन्हें अपलोड करना होगा। ये अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको इस नियम से झटका लग सकता है। आज से आप अगर बिना अकाउंट में पैसे से एटीएम से पैसा निकालने या बैलेंस चेक करने की कोशिश करेंगे तो फेल ट्रांजेक्शन के तौर पर आपको 10 रुपए पेनल्टी और जीएसटी देनी होगी। आज 1 मई है और हर साल 1 मई का दिन मजदूरों के नाम समर्पित किया जाता है, जिसे मजदूर दिवस के अलावे लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे के नाम से भी जाना जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का मकसद मजदूरों को और श्रमिकों के काम का सम्मान करना और उनके योगदान को हमेशा याद रखना है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम रविवार को कैमूर पहुंचे हुए थे। सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर हमला भी उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है। ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों ही बदनाम हो रहा है। ऐसे बाबाओं का देश हित, समाज हित और धर्म हित के लिए विरोध करना बहुत जरूरी है। ऐसे में लोग एक दूसरे धर्म को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। चीनी हैकरों से अमेरिका भी परेशान है। ये हैकर्स इतने एडवांस हो गए हैं कि मिनटों में बड़े से बड़े शक्तिशाली देश का डेटा चोरी कर रहे हैं। चीनी हैकरों को लेकर एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि एफबीआई के हर कर्मचारी के मुकाबले जिनके पास 50 हैकर्स हैं, यानी अनुपात 50:1 का है। क्रिस्टोफर रे ये बात बीते बृहस्पतिवार को हाउस विनियोग समिति की बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे देश के खिलाफ लड़ रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है। विभिन्न फूड आइटम के उत्पादन में भारत दुनिया में अलग स्थान रखता है। अनाज के उत्पादन में भारत दुनिया के शीर्ष उत्पादकों में शुमार है। चावल, चीनी के प्रोडक्शन में भी भारत विश्व के अग्रणियों में शामिल है। लेकिन अब बागवानी क्षेत्र में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। बागवानी उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वही पहले नंबर पर चीन है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का कहना है कि पारंपरिक फसलों के सापेक्ष बागवानी उपज कर किसान अच्छी आमदनी कर सकते हैं। इंडिया वोन गोल्ड आफ्टर 58 इयर्स इन एशियन चैंपियनशिप। इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बीच भारत के लिए एक और खुशखबरी आई है। सात्विक साईराज, रेकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार युगल जोड़ी ने रविवार को 58 साल पुराना सूखा खत्म कर दिया है और दुबई में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिनेश खन्ना के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इस जीत के लिए खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच ने सोमवार को तलाक को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते टूट चुके हों और सुलह की गुंजाइश ही ना बची हो तो वह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। इसके लिए 6 महीने का इंतजार अनिवार्य नहीं होगा। एयरटेल के सरकारी वित्त पोषण वाले 4G टावर ने पिछले सप्ताह अरुणाचल प्रदेश के त्वांग जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अंतिम गांवों में से एक लूम्पो में सेवाएं शुरू कर दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 6 मई को होने वाला यह कार्यक्रम 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम राज्याभिषेक के लगभग 7 दशकों को चिन्हित करेगा, जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि ब्रिटेन ने शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया था, लेकिन उनके स्थान पर धनखड़ कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के 140 करोड़ जनता से मन की बात की। पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 100 एपिसोड पूरा हुआ है। भारत में कांग्रेस ने इसे लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को तो सत्ता के पहले से मन की बात बोल रहे हैं। उन्होंने रोजगार देने की बात भी कही थी। मन की बात का उल्टा असर पड़ा। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में सैनिकों को मरवाते हैं, ये भी आपके मन की बात है।
मन की बात जनता जानती है साल 2024 में जवाब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का राइटर सेंटर के चलते हाथ कांपने की बीमारी से जूझ रहे शख्स को राहत देने के आदेश को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सराहना करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के परीक्षार्थी को परीक्षा लिखने के लिए एक शख्स की मदद लेने की इजाजत दी है। अदालत ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया। दिव्यांग उम्मीदवार को बड़ी राहत भी मिली है। एम्स ने उम्मीदवार के विकलांग होने की प्रमाणित की थी। आतंकियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने 14 मैसेंजर मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पाकिस्तान से इन्हीं 14 मैसेंजर मोबाइल ऐप से संदेश आते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा बलों, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सिफारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी समूहों के इस्तेमाल किए जा रहे 14 मैसेंजर मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यह कहावत हम सभी ने सुनी ही होगी। हाल ही में कैसे जुगाड़ू शख्स के आविष्कार को देखा गया, जिसे देख आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका काफी प्रभावित नजर आए। दरअसल ट्विटर पर अपनी ऑफिशियल प्रोफाइल से जर्नलिस्ट टाइकून हर्ष गोयनका ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बच्चे को सड़क पर 7 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक चलाते देखा जा रहा है, जिसे देख हर किसी को काफी हैरानी भी हो रही है। खास बात यह है कि वीडियो में नजर आ रही इलेक्ट्रिक बाइक की छत पर सोलर पैनल लगे नजर आ रहे हैं, जिससे कि सड़क पर चलते समय भी इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के लिए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स द्वारा की गई सराहना के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रशंसा भरे शब्दों के लिए मैं अपने मित्र बिल गेट्स का आभार व्यक्त करता हूँ। मन की बात हमारे प्लेनेट को बेहतर बनाने के लिए भारत के लोगों की सामूहिक भावना को दर्शाता है। गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिए गए अध्ययन में सतत लक्ष्यों के साथ मजबूत प्रतिध्वनि को अच्छी तरह से रेखांकित किया गया है। जूते खुदरा विक्रेताओं ने फुटवेयर निर्माताओं के लिए गुणवत्ता कंट्रोल आदेश 2020 के मानदंडों के कार्यान्वयन के लिए और समय मांगा है। देश में 1 जुलाई से फुटवेयर के लिए BIS स्टैंडर्ड्स लागू होने की उम्मीद है। खुदरा विक्रेताओं ने सरकार से फुटवेयर निर्माताओं के लिए 8 से 10 महीने का अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने लेदर, रबर और पॉलीमर से बने फुटवेयर के लिए BIS स्टैंडर्ड्स जारी किया है। एक बार लागू होने के बाद यह भारतीय मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर देगा। पश्चिम बंगाल को जल्दी दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन हावड़ा पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार हावड़ा स्टेशन से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के पुरी स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेल बोर्ड के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस दौरान अपने गृह राज्य ओडिशा में उनके साथ मौजूद रहेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए एक ट्वीट में माता काली की एक तस्वीर साझा की गई थी, जिसे लेकर ट्विटर पर रोष प्रकट किए जाने के बाद इसे हटा दिया गया। तस्वीर में कथित तौर पर देवी काली को धुएं के गुब्बार पर दिखाया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वर्क ऑफ आर्ट कैप्शन से यह तस्वीर साझा की। इसे लेकर कई भारतीय ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने रोष जताया और इसे भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और असंवेदनशीलता का कृत्य भी करार दिया। कुछ भारतीय ट्विटर उपयोगकर्ता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग भी की। भारतीय उपयोगकर्ताओं के रोष जताए जाने के बाद यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट हटा दिया। बिहार के आरा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर की गाड़ी और पूरा काफिला कीचड़ में फंस गया। इसके बाद मौके पर मौजूद भोजपुर के DM और SP समेत सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। कड़ी मशक्कत के बाद राज्यपाल को पुलिस जिप्सी में बैठाकर रवाना किया गया। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इसको लेकर चारों ओर चर्चा हो रही है। फिल्म द केरल स्टोरी पर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म द केरल स्टोरी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा आपत्ति जताई गई थी। उन्होंने कहा था कि आपके केरल की कहानी हो सकती है, लेकिन यह हमारे केरल की कहानी नहीं है। अब उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक चैलेंज दिया। शशि थरूर ने ट्वीट कर लिखा है कि केरल में 32,000 महिलाओं ने इस्लाम कबूला। इस दावे को साबित करने के लिए सबूत जमा करें और 1 करोड़ रुपए ले जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव के नाम से दर्ज ईदगाह की जमीन विवाद को लेकर मथुरा में दाखिल सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश एवं पुनर्निरीक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका वापस करते हुए निस्तारित कर दी है। याचिका की पोषणीयता के मामले में कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पहले ही फैसला आ चुका है, ऐसे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पारिया ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।